वेलकम बैक बी आर न्यू ब्लॉग ब्लॉगिंग रंजू एंड भक्ति सागर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज है शनिवार और देखिए आज है 6 तारीख 6 जनवरी आज। और यहाँ पे मैंने देखी बहुत सारे आलू उबालने के लिए रख दिए हैं क्योंकि आज मैं आलू के पराठे एंड ब्रेड पकौड़े भी बनाऊंगी या सैंडविच दिखाती हूँ। सैंडविच के लिए ब्रेड भी आ गए हैं, ये देखिए, ये है ब्राउन ब्रेड, देखिए ब्राउन ब्रेड आ गया है, इसलिए सैंडविच ही बनेगा। और यहाँ पर मैंने कपड़ा धोने के लिए कपड़े धोऊंगी तो इसलिए मैंने पानी पाइप से पानी भर रही हूँ वॉशिंग मशीन के अंदर। और आज अभी तक पता है गाइस, अभी तक हमारे घर में न्यू कैलेंडर नहीं आया अभी तक 2024 का। ठंडा बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे को तो आज, तो नीचे मैंने ये वाला शॉल और सर पे ये वाला, क्योंकि मेरे को सर में बहुत दर्द होता है ठंड के मारे, ठंड के कारण, तो इसलिए मैंने ये शॉल ओढ़ रखा है। और बाहर साफ मौसम तो है पर यह कि ठंड बहुत ज़्यादा है, दिखाती हूँ, ये देखिए मौसम इज़ क्लियर पर ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड में होंठ मेरे बहुत सूख रहे हैं, किट बंद कर दो, हवा बहुत आ रही है। और यहाँ पे मैंने आलू चढ़ा दिया है, अब जा रही हूँ आटा मल लेने। और गाइस मैं आपको सच सच बताऊँ तो मैं ठंड में बहुत ही लेट नहा रही हूँ, मीन्स आलू उबाल के झाड़ू पोछा करके कपड़े धो के नहाऊँगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। पहले नहा लो जब, क्योंकि काम वाम करो तो बॉडी में थोड़ी मतलब गर्मी टाइप ऐसा फील होता है, मतलब लगता है कि हाँ अब मैं नहा सकती हूँ ऐसा फील होता है, तब मैं आराम से नहा लेती हूँ। बट यह है कि मैं डेली नहा रही हूँ, यही 11-12 के बीच में मैं डेली नहा ले रही हूँ। और एक जनवरी को तो मैंने 9 बजे ही नहा लिया था, सुबह 9 बजे, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था तो इसलिए। और देखते हैं, ठंड में तो मंदिर भी नहीं जा पा रही गाइस ठंड के कारण, अब देखते हैं फरवरी से जाऊंगी अभी तो फिलहाल। और ये देखिए आलू, और यहाँ पे रात को जो बर्तन धुले थे अब इन सबको भी सेट कर देती हूँ। और रात को ये गाइस आप लोग भी सारे बर्तन धो के ही सोइएगा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात को लक्ष्मी माँ प्रवेश करती है सभी के घरों में, जिनके घर में साफ़ सुथरा रहता है, तो इसलिए मैं भी अब साफ़ सुथरा सब कुछ रखती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। पहले क्या था, एक गिलास जैसे हम दूध का पीते हैं ना, तो मैं ऐसे ही रख देती थी, मतलब चलो एक गिलास ही है, बट नहीं उसे भी नहीं रखना चाहिए अब, इसलिए मैं एक गिलास को भी धो के ही सोती हूँ क्योंकि ये सब पहले बर्तन तो खाना पीना खा के हो जाता है, पर गिलास का दूध तो लास्ट में तो पीते हैं गाइस, तो इसलिए वो मैं छोड़ देती थी। फिर मैंने कहा नहीं चलो धो देते हैं। और ये देखिए झाड़ू हो चुका है हमारा, क्लीनिंग पूरा, अब झाड़ू को अच्छा लगाने, अभी दोनों सो रहे हैं तो मिलते हैं आप लोगों से। और इग्नोर करना मेरे अभी चेहरे का रिएक्शन थोड़ा, क्योंकि अभी सो के ही उठी हूँ मैं, 1 घंटा हुआ है और अभी तक मैंने मुंह भी नहीं धोया पानी से, इतनी ठंड लग रही है मेरे को, तो अभी 4-5 दिन की बात है, उसके बाद तो ठीक रहे। जब मैं चाय बना रही हूँ और यहाँ कपड़े को धुल रहे हैं, इधर चाय है, इधर मैं ब्रेड सेक रही हूँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ लगा देता बहुत है, ये अब इसमें आ गई चीनी, चाय पत्ती, अदरक की बारी। दिस इज माई किचन, तो देखिए सुबह की चाय, और चाय को पकाने का मजा ही कुछ और है, सुबह सुबह बस चाय मिल जाए और क्या चाहिए। और मैं जब तक चाय अच्छे से ना पकाऊं जब तक मुझे स्वाद नहीं आता,
तो इसलिए मैं बढ़िया से चाय पका रही हूँ। अब लास्ट में थोड़ी सी मैं इलायची ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे इलायची अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। और उससे पहले आप लोग किचन की हालत देखिए, अभी मैं सब सेट ही कर रही हूँ। देखिए यहाँ तो सब कुछ सेट हो चुका है, कपड़े सूख रहे हैं इस रूम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आलू छील लिए हैं और यहाँ पे दो प्याज छोटे मीडियम साइज़ के काट लिए हैं और तीन चार हरी मिर्च काट लिया है और ये उनको भी नहीं काटा मैंने, बस यही डालूँगी, इसे बाद में ऐड करूँगी। और देखिए किचन पूरा क्लीन कर दिया है और अब आटा मलने जा रही हूँ मैं। यहाँ पर मैं अजवाइन डाल ली हूँ, तो मिलती हूँ आप लोगों से आटा गूंदने के बाद। देखिए यहाँ पर मैं आटा गूंथ रही हूँ, तो मैं आटा सान रही हूँ गाइस। अरे एक हाथ से नहीं रहा, चलो निकला के देखती हूँ। आलू का पराठा बनने में सॉफ्ट आटा होना चाहिए। चाय पीने, चाय और दोपहर पानी पानी करती है। अल्ले मेरा चन्ना उठ गया। ओले मिले बाबू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे अब जा रहे सैंडविच बनाने। तो और ये घी है, फटाफट बनाने। तो देखिए गाइस यहाँ पे सैंडविच सेक रही हूँ मैं घी में और धीमी आँच पे बिल्कुल सेक रही हूँ। देखिए धीमी आँच पे, ये देखिए। और यहाँ पे दो और हैं, निधि को भी बहुत पसंद है ये और मुझे भी, मेरे पतिदेव को भी बहुत पसंद है ये। सबकी पसंद बहुत ज़्यादा है घर में, ठंड में तो मज़ा ही आ जाता है। देखिए मैंने सैंडविच बनाया है और निधि बहुत ही खा रही है। निधि खा लो खा लो खा लो। फ्रेंड्स मैं नहा धोवा कर तैयार हो चुकी हूँ। निधि चूं चूं करती रहती है, क्या हुआ बेटा बोल। मैं आलू के पराठा बना रही हूँ। बहुत ही अम्मी है, ये देखिए सॉफ्ट भी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आलू के पराठे बना रही हूँ और यहाँ पे मैं बेलती जा रही हूँ, एक पराठा सेकती जा रही हूँ और धीरे धीरे मतलब जो है पराठा अच्छे से मैं सेकूँ, अब वही मैं आपको बता रही हूँ। और किचन में थोड़ा ये दिक्कत हो रही है कि मैं प्रॉपर शूट मतलब दिखा नहीं पा रही हूँ, तो इसीलिए जैसे तैसे करके थोड़ा वो जो भी शूट किया है मैंने वो मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। और नेक्स्ट टाइम से और भी अच्छे से ब्लॉग मिला करेगा आप लोगों को। और ये देखिए मैं अच्छे से ये लोई मैंने बना लिया आटा को। और आप लोग बताइएगा आप लोग मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं देखने में। तो बस यही यही लाइफ पे ठंड में, एंड मैं नहा धोहा कर रेडी हो चुकी हूँ और फिर मैं किचन में आई हूँ पराठा सेकने के लिए, क्योंकि उसके बाद नहा के ही मैं खाना खाऊँगी। उसे चाय ब्रेड तो मैंने खा लिया था। तो फ्रेंड्स
तो देखिए ये पराठा और ये चोखा चार ही देने देखते जा रही है। अच्छा आता है, लीजिए गर्मा गर्म आलू के पराठे। यम्मी है, यम्मी। हाँ अच्छा है, खा मेरे बेटा, मेरा सोना गरम है। निधि देखते रहना, तो यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे सिक रहे हैं। तो गाइज इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से मैं न्यू ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में आने की। एंड आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है देखने में, एंड आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मतलब आप लोग क्या और देखना चाहते हैं मेरे ब्लॉग में, ताकि मैं उसे भी इंक्लूड करूँ। एंड जितना हो सके आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाया करूँगी, और आपको बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग आपसे मिलने वाले, क्योंकि मेरा बर्थडे भी आने वाला है, देन मेरी बेटी का हमारी एनिवर्सरी, मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। एंड बाय बाय, टेक केयर।